हेलो डियर स्टूडेंट्स माई सेल्फ सुप्रिया वेलकम टू आवर चैनल सुप्रिया एजुकेशन हब इन दिस सेशन आई एम डिस्कसिंग अबाउट मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफ़ बिहार यूनिवर्सिटी ओके देखिए आज हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर जो फिजिक्स सब्सिडरी का है बीएससी पार्ट वन का इस इस साल हम लोगों का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है तो वही मॉडल पेपर जारी किया गया है तो मैं उस मॉडल पेपर का आप लोगों के सामने सॉल्यूशन बताऊंगी आप लोगों को ओके तो चलिए मैं सभी के क्वेश्चन का आंसर बताने वाली हूँ तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं ओके तो देखिए पहला क्वेश्चन है हम लोगों का द स सरफेस टेंशन ऑफ ऑल लिक्विड्स डिक्रीजेज लीनियरली विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर पहला जो क्वेश्चन है उसका हम लोगों का आंसर हो जाएगा ए इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द सर्फेस टेंशन ऑफ ऑल लिक्विड्स डिक्रीजेज लिनियरली विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का एट द क्रिटिकल टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ सर्फेस टेंशन इज ज़ीरो होगा क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन का वैल्यू क्या होता है तो इसका आंसर हम लोगों का जीरो हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन है हम लोगों का मोलर सरफेस इज़ डिफाइंड एज तो देखिए मोलर सरफेस का तो मतलब कि मैं नेट से सर्च की हूँ बट मुझे कोई मतलब कि हंड्रेड परसेंट सेटिस्फेक्ट्री आंसर नहीं मिला है इसलिए मैं आप लोगों को इसका आंसर नहीं बताऊंगी शायद ये एनालिटिकली निकाला जाता है बट मैं उतना कंफर्म नहीं हूँ इसलिए आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बता पाऊंगी ओके फोर्थ क्वेश्चन है द सर्फेस एनर्जी इन द मोलर सर्फेस इज़ टर्म्ड एज सर्फेस एनर्जी द ग्रेविटेशनल वेव ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ जो ग्रेविटेशनल वेव है ना वो जो ट्रेवल करता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर उसका स्पीड होता है ओके तो स्पीड ऑफ लाइट को अगर हम मिल्स पर सेकेंड में लिखते हैं तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हम लोगों का आंसर हो जाएगा इसका ओके फाइव का जो है वो ए होगा आंसर सिक्स क्वेश्चन है हम लोगों का द ग्रेविटी वेव इज तो ग्रेविटी वेव है वो इनविजिबल राइफल इन स्पेस होता है आप लोग गूगल सर्च कर सकते हैं ओके देखिए सेवेंथ क्वेश्चन है जो भी क्वेश्चन है सब गूगल पर से सर्च करके ही बताया गया है या फिर बुक से देख के बताया गया है या फिर विकीपीडिया से लेके बताया गया है okay, ओके सभी आंसर सही है द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ग्रेविटेशनल वेव आर मच लोअर देन दोज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ओके सेवन का हम लोगों का ए हो जाएगा लोअर देन एट है हम लोगों का द राइवल्स प्रोड्यूस इन स्पेस टाइम आर कॉल्ड तो एट का हम लोगों का बी हो जाएगा ग्रेविटेशनल वेव जो राइफल प्रोड्यूस होता है इन स्पेस टाइम आर कॉल्ड ग्रेविटेशनल वेव नाइन क्वेश्चन है हम लोगों का कैपिलरी वेव आर कॉमन इन नेचर एंड आर ऑफ एंड आर ओफन रेफर्ड एज तो नाइन का हम लोगों का हो जाएगा बी राइपल वेव जो कैपिलरी वेव को है ना हम लोग राइपल वेव भी बोलते हैं ओके okay? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का टेन ए लॉन्गर वेब लेंथ ऑफ ए फ्लूड सर्फेस विल रिजल्ट इन जो लॉन्गर वेब लेंथ किसका होता है फ्लूड सर्फेस में तो इसका टेन का हम लोगों का हो जाएगा बी ग्रेविटेशनल वेव ओके अब हम लोग इलेवेंथ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं एलैंथ क्वेश्चन है हम लोगों का विच वेव्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ द इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन ग्रेविटी एंड फ्लूड एनर्जिया तो एलेवेंथ का हम लोगों का बी हो जाएगा ग्रेविटेशनल वेव ओके सभी आंसर सही है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैव लॉन्गर वेव लेंथ तो ट्वेल्व का हो जाएगा हम लोगों का सी दोनों होगा कैपिलरी वेव भी और ग्रेविटी वेव भी किसका लॉन्गर वेव लेंथ होता है पूछा गया तो इसका दोनों होगा बारह का ए बी मतलब दोनों है मतलब सी इसका आंसर होगा बोथ थर्टीन नंबर क्वेश्चन है ग्रेविटी वेवस आर तो जो ग्रेविटी वेव है ना वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है ओके अब हम लोग फोर्टीन क्वेश्चन पे मूव करेंगे फोर्टीन क्वेश्चन है हम लोगों का ए ग्रेविटी वेव इज अ वेव ट्रैवलिंग अलोंग द इंटरफेस बिटवीन टू फ्लूड्स हुज डायनेमिक्स आर डोमिनेटेड बाय द इफेक्ट ऑफ तो फोर्टीन का हम लोगों का हो जाएगा बी ग्रेविटी वेव ओके फिफ्टीन है ए राइफल वेव इज अ वेव ट्रेवलिंग बिटवीन द इंटरफेस बिटवीन टू फ्लूड्स हुज डायनेमिक्स आर आर डोमिनेटेड बाय तो फिफ्टीन का हो जाएगा हम लोगों का ए सरफेस टेंशन हो जाएगा ए राइफल वेव इज अ वेव ट्रेवलिंग बिटवीन द इंटरफेस बिटवीन टू फ्लूड्स हुज डायनेमिक्स आर डोमिनेटेड बाय सरफेस टेंशन हो जाएगा ओके सिक्सटीन हम लोगों का विंड जनरेटेड वेव ऑन द वाटर सरफेस आर एग्जाम्पल ऑफ तो सोलह का हम लोगों का बी हो जाएगा ग्रेविटी वेव यह ग्रेविटी वेव का एग्जाम्पल है ओके आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा सब कुछ सेवेंटीन है हम लोगों का हु सजेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम डेट द velocity ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज द सेम एवरीवेयर तो देखिए ये जो इसका आंसर है उसका इसका आंसर नन होगा क्योंकि ये जो सजेस्ट किया था ना वो आइंस्टीन किया था ओके okay, आइंस्टीन बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होता है जो आइंस्टीन का फॉर्पलेट जाके भी आप लोग पढ़ सकते हैं देखिए एटीन है हम लोग का अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी द ऑब्जर्वर वेलोसिटी ऑफ द लाइट शुड डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ तो देखिए इसका होगा सी होगा बोथ ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है और ऑब्जर्वर पे भी ओके मतलब इसका ऑब्जर्वर पे और सोर्स दोनों पे डिपेंड करता है वेल, वेलोसिटी ऑफ लाइट ओके नाइनटीन क्वेश्चन है हम लोग का हु प्रूव द थ्योरी डेर द ईथर मीडियम एग्जिस्ट तो ये न्यूटन प्रूव किए थे कि ईथर मीडियम एग्जिस्ट करता है ओके ट्वेंटी क्वेश्चन है हम लोगों का द डिवाइस थ्रू विच द ईथर मीडियम वाज डिटेक्टेड इज कॉल्ड जिससे ईथर मीडियम को हम लोग डिटेक्ट किए थे उसको क्या बोलते हैं तो इंटरफेरोमीटर बोलते हैं ओके एलेवेंथ ट्वेंटी वन क्वेश्चन है हम लोगों का अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी तो इक्कीस नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ओके मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है वो मोस्ट प्रोबेबल द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो क्वेश्चन नंबर हम लोग इक्कीस देख रहे हैं ना इसका आंसर होगा सी इक्वल टू द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ओके बाईस जो हम लोग का क्वेश्चन है द एवरेज वैल्यू ऑफ वी एक्स इन मैक्समेल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय तो इसका हो जाएगा जीरो ओके ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का द मैक्सल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज वैलिड फॉर अ केमिकल गैस तो इसका मुझे कन्फर्म नहीं है इसलिए मैं इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को नहीं बता रही हूँ ओके okay? क्योंकि मैं आप लोगों को गलत नहीं बता सकती चलिए ट्वेंटी फोर नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का द रूट मीन स्क्वायर स्पीड एवरेज स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉर अ गैस इन द रेशियो ऑफ इसका रेशियो बनाना है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूट थ्री रूट टू टू आर टू रूट टू इसका चौबीस का हम लोगों का सी हो जाएगा ओके okay? अब पच्चीस नंबर क्वेश्चन है द मीन फ्री पाथ लेमडा ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल एज गिवेन बाय मैक्समेल इज रिलेटेड टू इट्स रेडियस ए एज तो इसका हम लोगों का होगा पच्चीस का हम लोगों का बी हो जाएगा लेमडा इक्वल टू रू वन बाय रूट टू पाई ए स्क्वायर एन ओके अब ट्वेंटी सिक्स पे बढ़िए ट्वेंटी सिक्स नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है इफ़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गैस इज एन देन द रेशियो ऑफ सी पी एंड सी वी इज तो इसका हो जाएगा हम लोगों का वन प्लस टू बाई एन ओके ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मोलिक्यूल हैज़ थ्री डिग्री ऑफ़ फ्रीडम तो मोनो एटोमिक हो जाएगा इसका सत्ताइस e का ई होगा हम लोगों का द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वान्टिटी इज रिक्वायर टू स्पेसिफाई द कन्फिग्रेशन एंड पोजिशन ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड इसका हो जाएगा दी दी ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ़ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम ओके ट्वेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन है हम लोग का द लॉ ऑफ इक्वी पार्सियन ऑफ एनर्जी इज एप्लीकेबल टू द सिस्टम हुज कंस्टिट्युंट्स आर इन रैंडम मोशन ट्वेंटी नाइन का ए हो जाएगा इन रैंडम मोशन थर्टी नंबर क्वेश्चन है द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्सियन फंक्शन इज गिवेन बाय तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एफ इक्वल टू माइनस टी एन के लॉक जेड क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है द टोटल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज शेयर इक्वली बाय द वेरियस डिग्री ऑफ़ फ्रीडम पोजेड बाय इट दिस लॉ इज़ नोन एज तो इस लॉ इसको हम लोग लॉ ऑफ इक्वी पार्सियन ऑफ एनर्जी बोलते हैं ओके अब हम लोग थर्टी टू पर पढ़ेंगे थर्टी टू है विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर द मीन फ्री पाथ इज तो इसका हो जाएगा हम लोगों का ए डिक्रीज होगा थर्टी टू का डिक्रीज होगा विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर द मीन फ्री पाथ इज़ डिक्रीजेज थर्टी थ्री है मीन फ्री पाथ इज देखिए मीन फ्री पाथ क्या होता है तो इसका हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन ओके थर्टी थ्री का बी हो जाएगा थर्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज एप्लीकेबल फॉर द बिहेवियर ऑफ ए परफेक्ट गैस तो इसका ऑल ऑफ द एवर हो जाएगा बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ गोजैक लॉ ओके थर्टी फाइव नंबर क्वेश्चन है एन आइडियल गैस एज कम्पेयर टू अ रियल गैस एट वेरी हाई प्रेशर ऑक्युपाइज मोर वैल्यू वॉल्यूम हो जाएगा ओके okay? पैंतीस का हम लोगों का ए हो जाएगा मोर वॉल्यूम थर्टी सिक्स हम लोग का व्हाट इज़ द करेक्ट फार्मूला ऑफ वंडर वाली इक्वेशन तो वंडर वाली इक्वेशन का फॉर्मूला होता है पी प्लस ए बाई भी स्क्वायर भी माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो थर्टी सिक्स का हम लोगों का सी हो जाएगा थर्टी सेवन है हम लोगों का द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट ए इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स फोर्स बढ़ता है वैसे वैसे ए बढ़ता है तो इसका थर्टी सेवन का हम लोगों का बी हो जाएगा थर्टी एट है द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज तो क्रिटिकल टेम्परेचर हम लोगों का थर्टी एट का हम लोगों का डी हो जाएगा एट ए अपन ट्वेंटी सेवन आर बी क्रिटिकल टेम्परेचर जो गैस का होता है वो एट ए अपन ट्वेंटी सेवन आर बी होता है थर्टी नाइन है हम लोगों का व्हाट डज बी रिप्रेजेंट्स इन द वंडर वाल इक्वेशन बी है हम लोगों का वंडर वाल इक्वेशन में क्या रिप्रेजेंट करता है तो ये वॉल्यूम ऑफ द गैस रिप्रेजेंट करता है ओके फोर्टी नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का इफ अ सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम सेपरेटली विथ बी एंड सी देन बी एंड सी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ तो ये है हम लोगों का जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इसका हम लोगों का ए हो जाएगा ओके okay? अब आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब